मित्रों, पिछले रमजान में अतीत, इस रमजान में मुख्तार, ये सब तो चलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच सच बताना आप लोग, साहब का गॉगल कैसा लग रहा है? देखो मुख्तार अंसारी की नाजायज औलादों का सोशल मीडिया पर रोना धोना चलता रहेगा, बट आप लोग ये बताइए कि हमारे योगी जी का चश्मा आप लोगों को कैसा लगा? तो राम राम मेरे प्यारे आई वनों की हलचल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफ्रॉन पैट्रियट में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो। केजरीवाल जी, इसके अलावा कोई और मांगो तो वो भी बताने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। ये आम आदमी पार्टी ने क्या फ्री केजरीवाल लगा रखा है? YouTube पर डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगा। मैं गिरा होया बंदा जमाने के बल्ले। बात तो सही है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल सरक सरक उधर, चल चल चलो जाके इलाज कराओ। गजब बेइज्जती है। इससे गजब बेइज्जती और क्या ही हो सकती है, इस नमूने को दिल्ली में कोई पूछ ही नहीं रहा है। केक काटो, कट द केक, आम काटो, स्लाइस द मैंगो, लुल्ली काटो, खतला। आजकल के बच्चे भी बहुत ही ज्यादा शरारती हो गए हैं। और आजकल इतना यंग जनरेशन यहाँ पे मौजूद है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नशों से दूर रहो, ड्रग्स से दूर रहो। मंगलवार देर रात को मुंबई पुलिस के सोशल सर्विस ब्रांच ने एक हुक्का बार पर रेड की छापेमारी की, और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। क्या मुनव्वर भाई, रमजान के नापाक महीने में भी ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती हैं? ओवैसी की सरकार लाना चाहते हैं जी हम, एक बार ओवैसी की सरकार लाना चाहते हैं। ओवैसी क्यों बदलना चाहिए और क्यों ओवैसी बनना चाहिए? देखो जी, ओवैसी के हम बोलना चाहते हैं कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये इसलिए आनी चाहिए कि बस यार मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर मीडिया पर कुछ थोड़ा मैंने गलत बोल दिया तो मैं उठ जाऊंगा। उसके मन में तो यही चल रहा है कि जल्द से जल्द देश में ओवैसी की सरकार है, उसके बाद गजबा है हिंदू, बट अगर खुल के बोल देंगे तो उठा लिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इनका ये डर ऐसे ही बरकरार रहे तो कृपया करके अपने वोट का सही उपयोग अवश्य कीजिएगा। मुझे तो इतना अफसोस होता है ये देखिए कि मौलाना लोगों ने हलाला सेंटर्स ओपन किया है, वहाँ पे उन्होंने अपने शागिर्द बिठावा 10-15-20 हजार रूपए लेके, आपका हलाला होगा, आप 48 से 50 इससे भी ज्यादा 50 या 1-1.5 लाख रुपया आपने बस हमारे साथ अपनी बीवी को रखना है, फिर निकाह होगा, फिर आप जब कहेंगे तो हम 3-3 तलाक करके उसको भेजेंगे, फिर आप शादी कर। मतलब क्या है ये कि इस तरह सोसाइटीज बनती है, माशरे कौमें इस तरह बनती हैं, तो ये मैं कहूंगी कि इस चीज को खत्म करे, या तो छोड़े नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर उसका हल ना जाए। वाह भाई वाह, मजहब के मजे तो मौलाना और मौलवी ही उठा रहे हैं, मजे के मजे और पैसे के पैसे। और ये सीन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि हमारे देश में भी यही सीन है। ऑफ कोर्स मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड हिंदू है। ऑफ कोर्स मैं हिंदू हूँ लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम है। ऑफ कोर्स मैं मुस्लिम हूँ लेकिन हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं। ऑफ कोर्स मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं दुर्गा पूजा भी मनाती हूँ और ईद भी मनाती हूँ। ऑफ कोर्स मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं इसके साथ कभी कभी मंदिर भी जाती हूँ। ऑफ कोर्स मैं हिंदू हूँ लेकिन इसके साथ कभी कभी मजार भी जाती हूँ। ऑफ कोर्स मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं मुस्लिम धर्म का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बिकॉज वी आर इंडिया। लगता है एक और सेक्युलर हिंदू अपनी ही बेटी को भाईचारे की बलि चढ़ाने की प्रतीक्षा में बैठा है। बधाई हो सेक्युलर हिंदू को। उसकी चाय की चाय बेचते हुए एक भी फोटो है, वीडियोस है उसकी। वो टाइम पे जब वो चाय बेचता होगा कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो कैमरे में आया ही होगा। मतलब ये बात झूठ हो सकती है? इतना बड़ा प्रधानमंत्री बन चुका है, वो अपने लिए एक वीडियो नहीं निकलवा सकता? अभी चाय बेचता है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है कल तो? हाँ बन सकता है, बन सकता है ना वो, बिल्कुल बन सकता है। उसके लिए पैसा चाहिए होता भाई, इसी पैसा कहाँ से उसने ज्यादा पैसा, चाय बेच के इतना पैसा नहीं, इनकम इतना नहीं होता भाई। अगर इन मदरसा छाप के लॉजिक के हिसाब से चलें तो राहुल गांधी सोनिया गांधी का बेटा ही नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी ने जब राहुल गांधी को जन्म दिया था उस समय की कोई भी फोटो अवेलेबल नहीं है। और जब तक हमारे देश में मदरसे रहेंगे आपको ऐसे नमूने निरंतर देखने को मिलते रहेंगे। ये वक्त एन कंपनी वाले आए हैं। नमस्ते जी, क्या बनवाना है? कंपनी का नाम फिर से चेंज हो रहा है तो नया लेबल बनवाना है।
2019 में तो रिजेक्ट हो चुके हो, तो आप नए लेबल का क्या करोगे? इसीलिए तो बनवाना है। नया लेबल भी तो फैमिली के नाम का ही बनेगा। किसके नाम का बनाऊं? मेरी फैमिली के नाम का। इसकी नहीं, माजी फैमिली। मेरी फैमिली क्यों नहीं? नहीं मेरी। नो 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 नो, माय फैमिली। मेरी फैमिली में क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, माजी माजी। आप सब लोग फैमिली फैमिली के बीच म्यूजिकल चेयर खेलते रहे। 2019 का रिजेक्टेड मार्क। इंडियो का नया फैंसी लेबल चिपकाने से 2024 में फिर से बिकने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ नाम बदलने से रावण राम नहीं बन जाता, जैसे लेबल बदलने से लेवल नहीं बदलता। महाठगबंधन के रावण का दहन किया जाता है, चयन नहीं। ये भी ठीक है, लेबल बदलने से लेबल नहीं बढ़ जाते। मुख्तार अंसारी आपके लिए माफिया था या एक मसीहा? मसीहा था, अच्छा आदमी था, बढ़िया आदमी था। मुख्तार अंसारी एक अच्छा इंसान था। आपकी नजर से क्या था? सही, बढ़िया इंसान था। आपकी नजर जी से क्या? बढ़िया इंसान था सर। मुख्तार अंसारी आपकी नजर में क्या है? बहुत बढ़िया आदमी थे, मसीहा थे सर, विधायक, चार बार विधायक रह चुके हैं वो मऊ के। आपके लिए क्या थे मुख्तार अंसारी? मसीहा। मसीहा था और क्या है? हमारे लिए आम आदमी है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी भाई ठीक ठाक इंसान। मुख्तार अंसारी आपके लिए क्या? हम जानते नहीं कौन है कौन नहीं। मुख्तार अंसारी अच्छा लीडर था हमारी नजर में, पर ये मरा है तो गलत हुआ है, और ये दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर जहर देकर मारा है। गलत हुआ उसके साथ, स्लो पॉइजन देकर उसको मारा गया। इस तरह से तो गुस्सा फैलेगा, नफरत फैलेगी मुसलमानों में। उसे भी चाहे वो स्लो पॉइजन देकर मारा गया है, उसको जहर देकर मारा गया उसको। योगी सबसे बड़ा हत्यारा है, सबसे बड़ा क्रिमिनल मोदी है, और जो जहर देकर मारा गया ना मुख्तार अंसारी को, तो एक बड़ा इसको पैदा होंगे। अब ऐसे इतना वो नहीं है कमजोर मुसलमान कि आप मार दोगे और वो चुप हो जाएगा, आगे आने आगे देखो क्या होता है। चाचा आपके जैसे ही लोग 10 साल पहले कहते थे कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। 10 साल बीतने वाले हैं, अब तक तो कोई अफजल निकला नहीं है। तो चाचा अगर अभी भी हर घर से अफजल निकलेगा तो हर घर के अफजल को मारेंगे, चाहे फिर वो अफजल हो या आतिक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी क्यों ना हो। और यही एक बहुत बड़ा फर्क है कौम में और हिंदुओं में। विकास दुबे को जब मारा गया था, जब उसका एनकाउंटर किया गया था, कोई भी हिंदू उसके सपोर्ट में नहीं आया था। बट ये जो मजहबी है वो हर मजहबी के सपोर्ट में आ जाते हैं, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। जैसे विकास दुबे को मारा गया था, ऐसे ही आतिक अहमद मरा, ऐसे ही मुख्तार अंसारी भी मरा। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो माफिया है, गुंडा है, गैंगस्टर है, तो सभी के साथ एक समान ट्रीटमेंट योगी सरकार में किया गया है। बट अफसोस की बात यह है कि जो मजहबी कौम है, ये आतंकवादियों के प्रति अपनी वफादारी दिखाने से पीछे नहीं हटती है। बाकी का ये मुख्तार अंसारी को लेकर पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह जी को सुन लेते हैं। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपने कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई के तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की, आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है, और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं ये गलत है और ये हो इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत को बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग को प्रेशर बनाया, अधिकारियों प्रेशर बनाया, जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफर, डीआईजी रेंज का ट्रांसफर, SSP STF हमारे थे उनका ट्रांसफर, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है सरकार, और किस तरह की ये सरकारें चल रही है कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रहे हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सिलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट, आम बोलचाल के भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी, धीरे धीरे इस पे लगाम लगा है, न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, दो दो दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। स्थिति बदली है नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध पर अंकुश भी हो रहा है। आप लोगों को आसानी समझ आ गया होगा कि कर्फ्यू लगे होने के बावजूद भी जो व्यक्ति मशीन गन लेकर खुलेआम घूम रहा है तो फिर वो कौन है, एक मसीहा या फिर एक गुंडा दरिंदा माफिया? बाकी का पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह जी को सुनकर आप लोगों को एक बात और समझ में आ गई होगी, इस मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को किसने पाला पोसा, किसने बड़ा किया, और फिर उसके बाद किस सरकार ने इस माफिया की जड़ों को काट कर खत्म किया। अगर गलती से ही फिर से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तब आप तैयार रहिएगा ऐसे गुंडे माफिया को एक बार फिर से झेलने के लिए। बार जो आएगी सरकार आए, कांग्रेस आए, हमारे दिल की यही है,
दिल में तो और कुछ भी है, दिल में और कुछ भी है, बहुत कुछ है, बकवाल मचाना है। बकवाल मचाना, बकवाल कैसे मचाना? बकवाल जैसे मचाएंगे, जैसे सरकार आएगी ना, बकवाल ही मचाएंगे। कांग्रेस की, कांग्रेस की भाई। इनके बकवाल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि देश में आगजनी करने को मिल जाए, देश में दंगेबाजी करने को मिल जाए, इन्हें पत्थरबाजी करने की आजादी मिल जाए। अब ये आगे आपको तय करना है कि या तो आप फ्री की रेबड़ी खा लें या फिर देश बचा लें, और ये सब आपके एक वोट पर निर्भर करता है। ये याद रखना, एंड आई डोंट वांट एनी जैसे आराम भैया, ये याद रखना, एंड आई डोंट वांट एनी जैसे आराम भैया। मैडम जी ने तो स्टेज में आकर अकड़ में कह दिया कि कोई भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, बट अगर यहीं पर कोई मजहबी टोपी लगाकर अपनी नमाज पढ़ने लगे तो मैडम जी की पतलून गीली हो जाएगी और मैडम जी की सारी अकड़ धरी रह जाएगी, उस पर ये एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगी। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।